डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ के लिए, नाइन्थ क्लास के लिए, क्लास नाइन्थ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। पता है हम लोग साइंस में एक बायोलॉजी के चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको याद है हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था पिछले दिन, और उसके आगे चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक्स लेंगे, आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस क्या होता है किसी भी सेल में, ठीक है, इसका क्या फंक्शन है, ये कैसे काम करता है। तो इसमें फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे द न्यूक्लियस हैज़ ए, द न्यूक्लियस हैज़ ए डबल डबल लेयर्ड लेयर्ड ए ले वाई आर ई डी डबल लेयर्ड कवरिंग कवरिंग सी ओ वी आर आई एन जी कवर कवरिंग कॉल्ड कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे हम लोग क्या सीखें कि किसी भी सेल का न्यूक्लियस क्या कहलाता है। तो कोई भी अगर डबल लेयर्ड अगर रहता है जो न्यूक्लियस से कवरिंग रहता है, कवरिंग का मतलब ढका हुआ रहता है, यानी कि किसी भी सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो डबल लेयर्ड में होता है और उसका कवरिंग किया हुआ रहता है, उसी को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, तो न्यूक्लियस डबल लेयर्ड में कवरिंग होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देंगे, इसी में लिखा जाए द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स। पोर्स का मतलब होता है छिद्र, ठीक है, पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ विच अलाउ अलाउ का स्पेलिंग ए डबल एल ओ डब्ल्यू विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल मटेरियल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड टू द साइटोप्लाज्म इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड टू द साइटोप्लाज्म 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 का सी वाई टी ओ पी एल ए एस एम, ठीक है। अब जरा हम लोग बात करते हैं जो सेकेंड एरो दिए हुए हैं, इसमें हम क्या लिखें कि हर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पोर्स। पोर्स का मतलब होता है छोटा छोटा छिद्र। ये हर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ऐसा पोर पाया जाता है, यानी कि छिद्र पाए जाते हैं, छेद होते हैं जो अलाउ किया जाता है किसी भी मटेरियल को इनसाइड होने के लिए या फिर आउटसाइड होने के लिए। यानी सेल में तो न्यूक्लियस होता है, ये पता है, और न्यूक्लियस में जो डबल लेयर्ड कवरिंग रहता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है, और हर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छिद्र पाए जाते हैं, और यही छिद्र की सहायता से कोई भी मटेरियल इन होते हैं या कोई भी मटेरियल आउट होते हैं। यानी कि इनसाइड एंड आउटसाइड मटेरियल को होने के लिए इसी पोर्स की मदद लेनी होती है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग एरो देंगे, नेक्स्ट एरो लिखा जाए द न्यूक्लियस कॉन्टेन द न्यूक्लियस कॉन्टेन कॉन्टेन द न्यूक्लियस कॉन्टेन क्रोमोसोम 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 क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप रॉड रॉड शेप रॉड शेप
स्ट्रक्चर, रॉड से स्ट्रक्चर. ओनली व्हेन द सेल, ओनली व्हेन द सेल सेल इज अबाउट टू डिवाइड कॉमा कॉमा क्रोमोसोम कॉन्टेन इन्फॉर्मेशन, क्रोमोसोम कॉन्टेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस 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 ऑफ कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ DNA कैपिटल डी कैपिटल एन DNA. देखिए इस ये वाले जो पॉइंट लिखे हैं दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जरा समझते हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हर एक न्यूक्लियस कॉन्टेन यानी कि रखता है किसको, क्रोमोसोम को. क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. और इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो एकदम रॉड शेप होता है, जैसे लोहे का छड़ देखे है ना ऐसे, तो जी बिल्कुल ऐसे ही क्रोमोसोम का जो शेप होता है एक रॉड की तरह होता है, एक छड़ की वजह से की तरह होता है ऐसा आप देख पा रहे होंगे, ऐसा क्रोमोसोम होता है. ठीक है, एक रॉड शेप, एक छड़ के शेप का होता है जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं. ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम है ये सेल में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि जब ये क्रोमोसोम का डिवाइड हो जाता है, जब क्रोमोसोम का टूटता है, जैसे मान लिया यहाँ ब्रेक हो गया क्रोमोसोम, तो अब इस तरीके से हमें क्रोमोसोम ब्रेक क्रोमोसोम, यानी कि जब क्रोमोसोम का ब्रेकिंग होता है तो यही ब्रेक किया हुआ क्रोमोसोम जो है एक इनहेरिटेंस के तौर पे अपने नेक्स्ट जनरेशन में पेरेंट्स के थ्रू डीएनए के रूप में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. फिर से बात करते हैं दोस्तों, हम लोग जैसा जानते हैं कि सबसे यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट जो है वो सेल है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस आता है, और हर एक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है. ध्यान दीजिएगा, अब ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिल्कुल रॉड शेप जैसा होता है. अब ये क्रोमोसोम जैसे ही डिवाइड होता है यानी कि जैसे ही टूटता है तो ये टूटकर अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार हो जाता है वो डीएनए के फॉर्म में अपने पेरेंट से. जैसे मान लिया कि एक फादर है और फादर के तीन लड़के हैं B1, B2, B3. अब फादर का डीएनए तीनों में जाएगा, अब इनके भी बच्चे होंगे लाइफ में आने वाले टाइम में, तो इनका डीएनए ट्रांसफ़र होते जाएगा, इसी तरीके से इनका जनरेशन आगे बढ़ते जाता है. ठीक है, तो डीएनए के बारे में समझिए कि डीएनए ही है जो नेक्स्ट जनरेशन में फ्रॉम पेरेंट्स से चला जाता है, और वो डीएनए किस रूप में, क्रोमोसोम के रूप में. और क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम वो न्यूक्लियस में कॉन्टेंट रहते हैं, न्यूक्लियस में मौजूद रहते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर रॉड शेप होता है, और ये अगर डिवाइड होते हैं तो इनके डिवाइड होने से इनहेरिटेंस के तौर पे पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है. किस फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में. अब ज़रा हम लोग डीएनए के बात करते हैं कि ये डीएनए क्या है, तो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा जाए नेक्स्ट एरो में, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबो एक ही में, फिर न्यूक्लिक एसिड
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो डीएनए का फुल फॉर्म भी हम देख लिए। अब हम लोग आते हैं कि क्रोमोसोम आखिर किसको कंपोज करता है। तो नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे क्रोमोसोम आर, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि क्रोमोसोम जो है वो किसको किसको कंपोज्ड करते हैं, तो डीएनए का कंपोजिंग करते हैं या और प्रोटीन्स को। यानी कि जब क्रोमोसोम डिवाइड्स होता है, यानी कि टूटता है, विखंडन होता है, तो किस रूप में हमें प्राप्त होता है, वो डीएनए के रूप में प्राप्त होता है या फिर हम लोग प्रोटीन्स के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक क्रोमोसोम का जो हम लोग फायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, वो किस किस रूप में, तो डीएनए के रूप में और प्रोटीन्स के रूप में। फिर हम लोग अगले बात करें तो नेक्स्ट स्टेप देंगे, लिखेंगे फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। देखिए, अब जब डीएनए अपना काम करना शुरू कर देता है, जैसे डीएनए अपना काम करना शुरू कर, डीएनए क्या है, तो क्रोमोसोम का डिवाइड है, क्रोमोसोम का अगर डिवाइड किया जाता है डीएनए मिलता है। अब डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को हम लोग जीन्स बोलते हैं, वही बात लिखे हैं, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। यानी कि डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है वो जब अपना काम करना शुरू कर देता है, अपना फंक्शन दिखाना शुरू कर देता है, अब वो किस रूप में जाना जाता है, जीन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए फिर से नेक्स्ट अब देंगे, लिखेंगे द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, इन सेलुलर रिप्रोडक्शन कॉमा द प्रोसेस बाय विच अ द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल। देखिए, इस बार हम क्या बोले कि न्यूक्लियस जो होता है एक सेंट्रल रो एक किसी भी रिप्रोडक्शन का एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। जैसे हम लोग न्यूक्लियस में भी बोले ना, तो न्यूक्लियस क्या है, तो ये एक डबल लेयर्ड कवरिंग पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियस कहाँ होता है, किसी भी सेल के सेंटर में। जैसे मान लिया कि अमीबा था, हम लोग पढ़े थे अमीबा का बीच में सेंटर होता है। यानी न्यूक्लियस का मतलब क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी सेल का सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल रोल प्ले करता है किसी भी रिप्रोडक्शन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और ये प्रोसेस कैसे होता है, तो एक सिंगल सेल का डिविजिबल होता है, एक सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर सेल जो है उसका डिवाइड होता है, यानी सिंगल सेल टूटता है और एक दो नया सेल निर्माण करता है। जैसे कि आपके एक एग्जाम्पल के तौर पे नीचे एक इसका जो अभी लिखे ना हम लोग, उसका एक एग्जाम्पल के तौर पे आप फिगर भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लिया एक यहाँ पे ये क्या है, अमीबा है, ये अमीबा है। और जब अमीबा का अगर विखंडन होता है, यहाँ पे अभी कितना है, ये भी एक इसका न्यूक्लियस है, दैट इज अमीबा को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, पता है ना। अगर कोई पूछेगा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा सेल बताइए जो जो एक सेल का बना होता है, यानी कि यूनिसेलुलर होता है, उसका हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, अमीबा, ठीक है। अब एक अमीबा से दो अमीबा या तीन अमीबा कैसे बनते हैं,
तो इसका जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है, और ये मैच्योर हो जाता है यही न्यूक्लियस का डिवाइडिंग हो जाता है, विखंडन हो जाता है। तो हम लोगों को कैसे कैसे प्राप्त होता है, देखिए ये यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे टूटने लगा, यानी कि एक यहाँ से टूट जाएगा और एक यहाँ से टूट जाएगा। इट मीन्स दो अमीबा अब हम यहाँ से अलग अलग हो गया, एक अमीबा यहाँ है एक अमीबा यहाँ है। तो इसी तरीके से हम लोग को पता चला कि जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म जब टूटता है तो वो दो नया सेल में डिवाइड हो जाता है, एक न्यू सेल ये एक न्यू सेल ये, यही दो न्यू सेल है, टू न्यू सेल, ठीक है, टू न्यू सेल इसी फॉर्म में बनता है। तो आप चाहें तो इस फिगर को बना सकते हैं। चलिए फिर आगे कुछ सीखते हैं, तो फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे नेक्स्ट एरो देकर, सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया कॉमा द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल, द न्यूक्लियर रीजन, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली PWORLY पुअरली डिफाइन ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलिए अब आपको ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि बैक्टीरिया, दोस्त ये बैक्टीरिया जो है इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, इसलिए हम इसे पुअरली डिफाइन कर सकते हैं। जिसे हम बोल सकते हैं ना कि बहुत सारे पीपल जो होते हैं अलग 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 टाइप्स का होते हैं, कोई बिल्कुल पुअर होते हैं, कोई रिच मैन होते हैं, धनी होते हैं, कोई गरीब होते हैं। वैसे ही आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया भी क्या है, बैक्टीरिया भी है जिसमें न्यूक्लियर रीजन पाया ही नहीं जाता है, यानी कि ऐसे सेल में कोई न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि इसको पुअरली डिफाइंड किया गया, यानी इसको गरीबी बोला गया। क्यों? क्योंकि इसके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, अबसेंस होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो सवाल आएगा कि कौन सा ऐसा सेल है जिसको पुअरली डिफाइन किया जाता है, तो राइट आंसर इज बैक्टीरिया। ठीक है, इसी बैक्टीरिया को हम लोग पुअर डिफाइन करते हैं। पुअर डिफाइन क्यों करते हैं दोस्तों? तो पुअर डिफाइन करने का पीछे का रीज़न है, क्या रीज़न है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, such cell look a nuclear membrane are called prokaryotes। जी हाँ, अब एक नया वर्ड आया prokaryotes। अब prokaryotes किसको कहते हैं दोस्त? तो वैसा सेल जिसमें हम लोगों को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखता है। अगर देखिए, जैसे आप बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अबसेंस रहता है, उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, किसमें? बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। दोस्तों जब बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, इसमें नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम इसको पुअरली डिफाइन भी कह सकते हैं। लेकिन अब से एक नया वर्ड आ गया कि अगर जिसमें जिस ऑर्गेनिज्म में या जिस सेल में क्या दिखे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख जाए, तब उसको आप प्रोकैरियोट्स बोल सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में तो नहीं है, तो जब बैक्टीरिया में नहीं है तो आप इसको नहीं बोल सकते हैं प्रोकैरियोट्स, यानी कि ये प्रोकैरियोट्स
नहीं है, ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स नहीं है। तो कुल मिलाकर हम ये बोल रहे हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में या सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखे तभी आप उसको क्या बोल सकते हैं, तभी आप उसको बोल सकते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अभी न्यूक्लियस के बारे में इन चीज़ों को पढ़ा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देते हैं। इस टॉपिक का नाम है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अब साइटोप्लाज्म के बारे में कि आखिर ये साइटोप्लाज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके नीचे एरो देंगे, फर्स्ट एरो साइटोप्लाज्म के नीचे फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है। तो पहले हम लोग फर्स्ट एरो देकर कुछ बात लिखेंगे, लिखा जाए द लार्ज रीजन ऑफ इच सेल इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये सबसे लार्ज रीजन होता है, सबसे बड़ा एरिया होना चाहिए हर सेल का जो किसी सेल मेम्ब्रेन के साथ घिरा हुआ रहे, इनक्लोज का मतलब घिरा हुआ रहे, उसे ही हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा सेल है जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ रहता है। यानी कि कोई सेल है, अब इस सेल एक सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, ये हो गया बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन, अगर कोई सेल मेम्ब्रेन द्वारा अगर इनक्लोज रहता है, घिरा हुआ रहता है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे दोस्त, साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो द यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स एज वेल एज, फिर से बताइएगा, द यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स। इसमें हम लोग क्या लिखें कि अगर कोई यूकैरियोटिक्स रहेगा, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, वो एज वेल एज मेम्ब्रेन इंक्लूड, यानी कि हर यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं उसमें, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड भी होते हैं। यानी कि हर यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, और उस वह मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड रहता है ऑर्गेनल्स का ORGANELLS, ठीक है। तो दोस्त अभी हम लोग पढ़ रहे थे साइटोप्लाज्म के बारे में, तो आज की क्लास को हम लोग साइटोप्लाज्म तक ही एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक धन्यवाद।